आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए करेले के अचार की एक रेसिपी। मैंने पहले भी शेयर की थी करेले के अचार की रेसिपी, जो कि मैंने आम के अचार में डाल के बनाया था। आज मैं करेले का अचार बना रही हूँ बिना आम के अचार के, और थोड़ा सा इसमें आम डालेंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बना लेते हैं करेले का अचार। उसके लिए मैंने लिए हैं लगभग आधा किलो करेले, और इन्हें अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अचार में मॉइस्चर रह जाएगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह से सूख जाए तो करेले के आगे और पीछे से डंठल काट दीजिए, और उसके बाद इस तरह से गोलाई में आप काट दें। पके हुए हों तो उनके बीज निकाल दीजिए, और कोमल हों तो बीज बीच में ही रह के इसी तरह से काट लीजिए। आप किसी भी आकार में काट सकते हैं, लंबाई में या जिस तरह से मैंने काटे हैं इस तरह से। उसके बाद आप इसे डाल दीजिए किसी बर्तन में। यहाँ मैं सैलेड स्पिनर में डाल रही हूँ, इससे मॉइस्चर जो भी निकलेगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा। और यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक। उसके बाद हमने इसको नमक लगाना है। नमक लगाने से करेलों का कड़वापन जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ मैंने 3 टीस्पून डाले हैं नमक, और इसे हिला दिया है। और उसके बाद मैं 1 टीस्पून और डाल रही हूँ, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 4 टीस्पून नमक डाला है। ज़्यादा नमक इसलिए डाला है क्योंकि ये सारा नमक पानी में बह जाएगा, निकल जाएगा। जब इसके इससे मॉइस्चर निकलेगा उसके साथ ही नमक भी निकल जाएगा। उसके बाद ये देखिए, मैंने इसे एक दिन के लिए, एक रात के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दिया था। और नेक्स्ट डे देखिए, हमारे जो करेले हैं उनमें से सारा मॉइस्चर निकल चुका है। मैंने फेंक दिया हुआ है इसमें जो पानी निकला था। और उसके बाद मैं इसे स्पिन कर रही हूँ कि और थोड़ा मॉइस्चर अगर इसमें है तो वो निकल जाए। लेकिन बिना स्पिन किए ही सारा मॉइस्चर निकल चुका था, कुछ नहीं निकला है। आप अगर बिना किसी ऐसे बर्तन में डाल रहे हैं जिसमें मॉइस्चर है, तो थोड़ा सा हल्का सा उसे किसी कपड़े पे पोंछ लें या थोड़ी सी हवा लगवा लें। और इसमें जो मॉइस्चर अभी थोड़ा बहुत है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो करेलों का जूस है, उससे हमारे अचार जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होगा। उसके बाद कर लेते हैं मसाला तैयार। तो यहाँ मैंने पीली सरसों ली है 3 टेबलस्पून, सौंफ ली है मैंने 4 टेबलस्पून, और अजवाइन ली है 1 टीस्पून, जीरा 2 टीस्पून, मेथी दाना 1 टीस्पून, मेथी दाना हम थोड़ा लेंगे क्योंकि ये कड़वा होता है, और काली मिर्च 1/2 टीस्पून। अब इसे अच्छी तरह से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं जलाना है, हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसमें से जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। मॉइस्चर अगर मसालों में रहेगा उससे एक तो अचार ख़राब होने का डर रहेगा, दूसरा मसाले पीसने में थोड़ी परेशानी आएगी। तो ये हमारा मसाला जो है वो देखिए ड्राई रोस्ट हो गया है, और जब तक ये ड्राई रोस्ट ठंडा हो रहा है उसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो जब तक मसाला हमारा ठंडा होता है, हम एक आम लेंगे, कच्चा आम लेना है आपने। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे तो मुझे यही वाले मिले। आप कोई भी जो अचार के आम होते हैं कच्चे वो ले सकते हैं, और उसे हम छील के कद्दूकस करेंगे। ऑनलाइन मंगवाने की वजह से वो थोड़ा डिले हो जाता है, तो ये पीलापन इसमें आ गया है, तो कोई बात नहीं, मैं इसे ऐसे ही डाल रही हूँ। लेकिन आप कोशिश करिए कि आम जो डालें वो सफ़ेद हो, येलो ना हुआ हो। उसके बाद इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हम इसे ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट आप मोटा पतला किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंगो ग्रेट हो जाए तो उसके बाद हम गुठली को हटा देंगे, हमें गुठली की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ग्रेट किया हुआ मैंगो रखेंगे एक साइड, तब तक हमारे मसाले हो गए हैं ठंडे, अब हम इन्हें पीस लेंगे। हमें इनका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इसे दरदरा पीसना है। तो लीजिए, मैंने मसाले लिए हैं पीस, दरदरे पीसे हैं, और उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं अचार। एक कढ़ाई में लेंगे 1/2 कप सरसों का तेल, और इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे धुआं निकलने तक। उसके बाद तेल को हम करेंगे थोड़ा ठंडा, गैस ऑफ करके, और बिल्कुल ठंडा नहीं होना है, थोड़ा सा गर्म हो तभी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही डालेंगे 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे ताकि इनका रंग जो है अच्छी तरह से निकल के आए। डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी,
और उसके बाद डाल देंगे हमारे नमक लगे हुए करेले। नमक लगा के रात भर रखने से करेलों का कड़वापन जो है वो बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। आप चाहें तो एक दो घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसे एक रात के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद ग्रेटेड मैंगो जो है, कच्चा आम आपने डालना है। मेरा थोड़ा सा पीला हो गया है, तो आपको कच्चा मिले तो बेटर है, और जितनी खटास उसमें आम में हो उतना अच्छा है। इसे भी कर देंगे मिक्स, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें मसाले जो हमने दरदरे पीसे थे। साथ ही डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, और काला नमक डालेंगे 1 टीस्पून, और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है। हमें ध्यान रखना है कि नमक का इस्तेमाल हमने पहले भी किया था, कुछ तो नमक उसमें से निकल जाता है लेकिन कुछ तो करेलों में रह जाता है, तो उसका हिसाब लगाते हुए आपने नमक का इस्तेमाल करना है। यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है। और उसके बाद अगर आपको तेल कम लगे तो आप तेल को गर्म करके ठंडा करके फिर डालिए। और यहाँ मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने जो पिछली बार अचार बनाया था वो मेरा अचार ख़त्म हो गया है, तो उसमें जो तेल बचा था उसमें से आधा कप तेल मैंने इसमें डाल दिया है, तो मुझे गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने उसी तेल का इस्तेमाल कर लिया है। और उसके बाद हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून यहाँ पर विनेगर। सिरका डाला है खटास के लिए, और प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा ये विनेगर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे होने देंगे ठंडा। आप किसी और बर्तन में निकाल दीजिए ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, या कढ़ाई में ही इसे जिसमें आपने बनाया है ठंडा होने दें। इसको किसी बॉटल में भरने से पहले बिल्कुल ठंडा होना इसका बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अचार में मॉइस्चर आ सकता है उसकी स्टीम की वजह से। तो इसको अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए, बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी बॉटल में भरिए, उससे पहले नहीं। 3 से 4 दिन में ये अचार खाने लायक हो जाता है, तो आप इसे बेफिक्र होकर खा सकते हैं, बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको ये हफ्ते के बाद दिखा रही हूँ, मैंने बॉटल में भर दिया था उसे, और तब का कलर और अब का कलर देखिए कितना फ़र्क है। अब बहुत अच्छा सा इसमें रंग निकल के आया है अचार में, जो हमने मिर्ची वगैरह डाली थी उसका, और मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, और कड़वा बिल्कुल नहीं है इसमें, परफेक्ट नमक खटास वगैरह सब परफेक्ट है। और लेकिन अगर आप इस स्टेज पे कुछ ऐड करना चाहें तो जैसे विनेगर वगैरह, खटास कम लगे आप नींबू भी डाल सकते हैं इसमें, मिर्ची और डालना चाहें तो तेल थोड़ा सा गर्म करिए, अच्छी तरह से गर्म करके ठंडा करिए, उसमें मिर्ची को थोड़ा सा फ्राई करके इसमें डाल दीजिए अगर आपको और अच्छा इसका रंग बनाना है। करेले का अचार सबके लिए अच्छा है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। रोज़ रोज़ अगर आप करेले नहीं बना सकते हैं या जूस नहीं निकाल सकते हैं तो इस तरह से अचार बना के रखिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा खाइए। तो देखिए कितना आसान है इसे बनाना, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ अपनी और किसी रेसिपी के साथ।